अपनी दमदार आवाज और माय हार्ट विल गो ऑन जैसे हिट गानों के लिए मशहूर कैनेडाई गायिका सेलिन डायन को स्टिफ पर्सन सिंड्रोम यानी SPS नामक एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार का पता चला है। SPS एक पुरानी स्थिति है जो मांसपेशियों में अकड़न और ऐठन का कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसका अर्थ है कि शरीर में इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं हेल्दी टिश्यूज पर। SPS का सटीक कारण अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से शुरू होता है। SPS एक दुर्लभ विकार है जो 1 मिलियन लोगों में से केवल 1 को प्रभावित करता है। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है और ये आमतौर पर 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच वयस्कों में शुरू होता है। SPS के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें आमतौर पर शामिल है मांसपेशियों में अकड़न, विशेषकर पीठ, गर्दन और पैरों में, मांसपेशियों में ऐठन जो दर्दनाक हो सकती है और हिलना डुलना मुश्किल कर सकती है, रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों में दर्दनाक संकुचन, स्पर्श, शोर और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, चलने या हिलने डुलने में कठिनाई होना, थकान, नींद की समस्या। SPS का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार हैं जो लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इन उपचारों में शामिल है दवाएं जैसे अक्षिपरोधी, मांसपेशियों को आराम देने वाले और स्टेरॉइड, शारीरिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, दर्द प्रबंधन। सेलिन डायन को दिसंबर 2022 में SPS का पता चला था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश देकर इसकी घोषणा की थी और कहा था कि वो इससे बहुत दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए अपना आगामी विश्व दौरा रद्द कर देंगी। डायन SPS के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात कर रही हैं और उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्पों से कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि वो हार नहीं मान रही हैं और वो इस चीज से लड़ने जा रही हैं।